बिलाल, वन ऑफ द स्टूडेंट, सर डू यू गेट बिगर क्रॉप्स इन दिस वे? बिलाल जो तलबा में से ही एक स्टूडेंट था, उसने सवाल किया, जनाब क्या आप इस तरह ज़्यादा फसल हासिल कर सकते हैं? मिस्टर हसन, ओह मच बिगर, वाइल एन एवरेज फार्म प्रोड्यूस 15 to 20 quintals ऑफ वीट फॉर एवरी हेक्टर, वी प्रोड्यूस एज मच एज 60 to 70 quintals। मिस्टर हसन ने जवाब दिया, हाँ बहुत ज़्यादा, जबकि एक आम खेत हर हेक्टर से 15 to 20 quintal गंदम पैदा करता है और हम 60 to 70 quintal तक पैदा करते हैं। बिलाल, दिस वंडरफुल बट श्योरली मशीन डू नॉट मेक द ग्रेन। बिलाल, ये क्या कमाल है, लेकिन यकीनन मशीन अनाज नहीं बनाती। बिलाल ने कहा, ये तो बड़े कमाल की बात है, लेकिन यकीनन मशीन जो है वो अनाज नहीं बनाती। श्योरली यकीनन, वंडरफुल कमाल की बात। मिस्टर हसन लफिंग, मिस्टर हसन जो है वो हंसे, नो सर्टनली नॉट, नहीं यकीनन नहीं, व्हाट इन फैक्ट हैपन इज द फर्स्ट द मशीन कॉल्ड ट्रैक्टर प्लगिंग डीपर। दरअसल ये होता है कि पहले मशीनें जिन्हें ट्रैक्टर कहते हैं गहरा हल चलाती हैं, फिर वो तेज़ी से बीज को बोती हैं। देन दे प्रिपेयर द लैंड एंड सोइंग मशीन मच फास्टर। फिर वो तेज़ी से बीज की को बोने का काम, बोने के लिए मशीन ज़मीन को तेज़ी से तैयार करती हैं। देन सोइंग मशीन सो द सीड वेरी फास्ट। बीज बोने वाली मशीन तेज़ी से बीज बोती है। एंड नो सीड गोज वेस्ट, और कोई बीज ज़ाया नहीं होता। सोइंग बीज बोना, फास्टर तेज़ी से, सीड बीज, वेस्ट ज़ाया होना। वी ऑल्सो सेलेक्ट द बेस्ट सीड, हम बेहतरीन बीज का इंतखाब करते हैं, बेस्ट सीड बेहतरीन बीज। देन वी यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इनरिच द सॉइल, फिर मिट्टी को ज़खीरा बनाने के लिए हम कीमियाई खादों का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र, कीमियाई खाद। इनरिच ज़खीरा, we get a lot of canal water, but we also irrigate our fields with our own tube well, which can supply water all the year round. हमें बहुत सा नहरी पानी हासिल होता है, लेकिन हम अपने खेतों के लिए अपने खुद के tube well से आबपाशी करते हैं। जो के जो साल भर पानी फराहम कर सकते हैं। एरिगेट आपाशी, फील्ड खेत, केनाल नहर,
सप्लाई मुहैया करना। फाइनली वी स्प्रे इंसेक्टसाइड ऑन आवर क्रॉप्स टू किल जर्म्स एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। आखिर में जरासीम और नुकसानदेह कीड़ों को मारने के लिए हम अपने फसलों पर कीड़े मार अद्वियात का छिड़काव करते हैं। सो आवर फार्म प्रोड्यूस 3 to 4 टाइम्स एज मच वीट पर हेक्टर एज वन ऑर्डिनरी फार्म डज। इसलिए हमारा फार्म एक आम खेत से फी एकड़ से 3-4 गुना ज़्यादा गंदम पैदा करता है।